बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायो के चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस का टॉपिक पढ़ेंगे, यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। हमें पता है कि जो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसे हम यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं। और यूरिनरी सिस्टम के अंदर हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स आते हैं, जिनमें पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरिटर, यूरिथ्रा एंड यूरिनरी ब्लड। जो किडनी है वो हमारे ब्लड को फिल्टर करती है, जिसकी वजह से यूरिन की फॉर्मेशन होती है। और हमारी किडनी के साथ जो ट्यूब्स होती हैं, जिन्हें हम यूरिटर कहते हैं, यूरिन जो है किडनी से यूरिटर के जरिए यूरिनरी ब्लैडर में आता है और वहां पर वो स्टोर होता है कुछ टाइम के लिए, और हम यूरिथ्रा के जरिए यूरिन को अपनी बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं। अब जो मेन टॉपिक है हमारा यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, इसके आगे सब टॉपिक है, वो हमने जो फर्स्ट डिस्कस करना है वो है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी जो है उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। जो किडनी का स्ट्रक्चर है उसके ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आता है कि किडनी का जो कलर है ये डार्क रेड कलर की होती है, और इसकी जो शेप है वो बीन शेप्ड होती है, ठीक है। और जो इसकी लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, और इसकी जो मोटाई है वो 4 सेंटीमीटर है, और जो इसका वेट है वो 120 ग्राम है। अब आती है इसकी लोकेशन, कि किडनी जो है हमारी बॉडी में किस जगह पर प्रेजेंट होती है। Placed against the back wall of abdominal cavity below diaphragm, कि ये कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारी जो बैक वॉल है एब्डोमिनल कैविटी के बैक वॉल में डायाफ्राम के नीचे ये प्रेजेंट है। अब लास्ट में हमें पता है कि हमने लंग्स में पढ़ा था कि हमारा जो लंग है उनमें भी डिफरेंस होता है। इस तरह जो हमारी किडनी है, लेफ्ट किडनी जो है ये थोड़ी सी हायर होती है एज कम्पेयर टू राइट किडनी। और अगर हम 8th क्लास की बुक में देखें तो इसके प्रॉपर जो डायग्राम दी गई है उसमें उन्होंने ये शो भी करवाया है कि जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ी सी अपर साइड पे होती है, मतलब हायर होती है, और जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी लोअर साइड पे होती है। ये तो जनरल उसकी होगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी, इसका शेप क्या है, इसकी लेंथ क्या है। अब प्रॉपर किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ना है कि किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ये मैंने किडनी की डायग्राम बनाई है और इसमें मैंने डिफरेंट पार्ट्स लिखे हुए हैं। ये सारे के सारे पार्ट्स हैं आपकी बुक में भी उन्होंने डिटेल से एक्सप्लेन की है और मैंने इनके साथ ही इनको एक्सप्लेन कर दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी बुक में स्टार्ट में उन्होंने लिखा हुआ है द कंकेव साइड ऑफ किडनी फेसेस वर्टिकल कॉलम, कि जो किडनी की कंकेव साइड होगी, ठीक है, वो क्या करेगी, हमारी वर्टिकल कॉलम वाली साइड में उसको फेस करेगी। यहाँ पर एक डिप्रेशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हिलस कहते हैं। इसके अलावा जो हमारी किडनी है उसमें बहुत से, उसके स्ट्रक्चर में बहुत से ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं और नर्व्स हैं, जो क्या करती हैं, हमारी किडनी के अंदर एंटर भी होती हैं और किडनी को लीव भी करती हैं। अब आता है फर्स्ट पार्ट, किडनी के दो मेन रीजन हैं, फर्स्ट वन इज रीनल कॉर्टेक्स एंड द सेकेंड वन इज रीनल मेडुला। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे रीनल कॉर्टेक्स को। ये बच्चों डायग्राम है किडनी की, जो रीनल कॉर्टेक्स है ये किडनी की आउटर पार्ट होता है, मतलब ये वाला जो पार्ट होगा ये क्या है, रीनल कॉर्टेक्स है। मैं एक फिर बता रही हूँ, किडनी के दो मेन पार्ट हैं, फर्स्ट वन इज रीनल कॉर्टेक्स एंड द सेकंड वन इज रीनल मेडुला। जो रीनल कॉर्टेक्स है ये किडनी का आउटर पार्ट होता है और इसका कलर जो होता है ये डार्क रेड इन कलर होता है। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास रीनल मेडुला। रीनल मेडुला जो है किडनी का इनर पार्ट है, इसका जो कलर होता है वो पेल रेड इन कलर होता है, ठीक है। रीनल कॉर्टेक्स आउटर पार्ट, रीनल मेडुला इनर पार्ट। रीनल कॉर्टेक्स का कलर हो गया रेड, डार्क रेड, और रीनल मेडुला का कलर हो गया पेल रेड इन कलर, ठीक है। अब इसके बाद जो रीनल मेडुला है इसमें हमारे पास कोन शेप स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, इनको हम रीनल पायरामिड्स कहते हैं। और इसकी आपकी बुक में प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है कि रीनल मेडुला कंसिस्ट ऑफ कोन शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड रीनल पायरामिड। तो ये जितने भी यहाँ पर आपको कोन शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ये क्या है, हमारे पास रीनल पायरामिड्स होते हैं। अब रीनल पायरामिड जो है यही क्या है, एक फनल शेप कैविटी के अंदर इनक्लोज होता है। पायरामिड जो है ये अपने आप को प्रोजेक्ट करती है फनल शेप कैविटी के अंदर, जो यहाँ पर प्रेजेंट होती है, मतलब जितनी भी यहाँ पर वेन्स होंगी वो अपने आप को कंबाइन करेगी और यहाँ पर एक फनल शेप स्ट्रक्चर बनेगा। उस फनल शेप कैविटी को हम क्या कहेंगे, रीनल पैलेस कहेंगे। अब किडनी के साथ ही हमारे पास दो वेन्स होती हैं, एक रीनल आर्टरी होती है और एक रीनल वेन होती है। हमें पता है कि रीनल आर्टरी जो है वो क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, और रीनल वेन जो है, जो वेन होगी वो क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी। अब यहाँ पर इसी के साथ हमारे पास यूरिटर होते हैं, ठीक है। अब यूरिटर का मेन काम है, अब दो किडनीज हैं,
दोनों के साथ एक ट्यूब होगी, जैसे ही हमारे किडनी के अंदर यूरिन की फॉर्मेशन होगी तो यूरेटर के जरिए क्या करेगा, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी का वो है नेफ्रॉन। हमें पता है कि फंक्शनल यूनिट जो है वो किडनी का वो क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। और एक किडनी के अंदर हमारे पास 1 मिलियन जो है वो नेफ्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि एक एक किडनी के अंदर जो है हमारे पास 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होंगे। नेफ्रॉन जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं, रीनल कॉर्पसल्स एंड रीनल ट्यूब्यूल। अब रीनल कॉर्पसल्स जो है इसके दो पार्ट्स हैं, आगे फर्दर दो पार्ट्स हैं, ग्लोमेरुलस एंड वुमेन्स कैप्सूल। और रीनल ट्यूब्यूल में हमारे पास आते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटिव ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कॉन्जुगेटिव ट्यूब्यूल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे ग्लोमेरुलस और वुमेन्स कैप्सूल को। जो हमारे पास रीनल कॉर्पसल है ये नॉन ट्यूबुलर पार्ट है, मतलब कि ये ट्यूब्स की फॉर्म में नहीं होता। जो ग्लोमेरुलस है ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती है, मतलब कि इस पार्ट के अंदर हमारे पास सारी की सारी क्या होंगी, कैपिलरीज होंगी, जिसमें क्या आएगा, ब्लड आएगा। अब वुमेन कैप्सूल जो है ये हमारे पास कप की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, जिसने क्या किया होता है, ग्लोमेरुलस को अपने अंदर इंक्लोज किया होता है। अब इसके बाद हमारे पास आता है रीनल ट्यूब्यूल। इसका नाम बता रहे हैं कि ये सारा ट्यूब वाला पार्ट है, और अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये हमें ट्यूब की फॉर्म में ही नजर आता है। रीनल ट्यूब्यूल जो है ये हमारे पास वुमेन कैप्सूल के फौरन बाद स्टार्ट होता है, और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल है। इसके बाद हमारे पास आता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में हमारे पास दो लिम्स है, एक डिसेंडिंग लिम है और एक असेंडिंग लिम है। इसके बाद इस जो लूप ऑफ हेनले है ये यू शेप स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद रीनल ट्यूब्यूल का जो लास्ट पार्ट आता है वो हमारे पास आता है डिस्टल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल। जो डिस्टल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल है इसमें बहुत सारी हमारे पास होती हैं, जो डिस्टल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल है ये क्या करते हैं, अपने आप को ओपन करते हैं एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, ठीक है। अब जो ये कलेक्टिंग डक्ट है इसमें बहुत सारी हमारे पास ये ज्वाइन करती हैं, और आपस में अपने आप को एक पेपिलरी, जो हंड्रेड्स ऑफ पेपिलरी हमारे पास डक्ट्स होती हैं उसके अंदर अपने आप को ज्वाइन कर देती हैं। उसके बाद जो पेपिलरी डक्ट है हमारे पास ये क्या करती हैं, अपने आप को ड्रेन करती हैं, किसके अंदर, रीनल पैलेस के अंदर। तो ये हमारे पास सिंपल सा स्ट्रक्चर था नेफ्रॉन का, जिसमें मैं एक दफा फिर आपको थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ कि हमारे पास वुमेन कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस है ये कपशेप, सॉरी नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। वुमेन कैप्सूल जो है ये हमारे पास कपशेप स्ट्रक्चर होता है, जो अपने आप क्या करता है, ग्लोमेरुलस को अपने अंदर इंक्लोज करता है। इसके बाद रीनल ट्यूब्यूल के 3 पार्ट्स हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल। जो लूप ऑफ हेनले है ये एक यू शेप स्ट्रक्चर है, तो डिस्टल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल है ये लास्ट पार्ट है, और ये क्या करता है, अपने आप को एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ओपन करता है। अब कलेक्टिंग डक्ट अपने आपको ज्वाइन करके हंड्रेड्स ऑफ पेपिलरी डक्ट्स पर आती हैं, जो अपने आपको ड्रेन करती हैं रीनल पैलेस के अंदर। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है फंक्शनिंग ऑफ किडनी। हमें पता है कि जो किडनी का मेन फंक्शन है वो यूरिन की फॉर्मेशन है। अब जब यूरिन की फॉर्मेशन होगी और किडनी जो है उसकी मतलब प्रॉपर फॉर्मेशन करेगी, तो उसमें हमारे पास 3 स्टेप्स आते हैं जो हेल्प आउट करते हैं किडनी को यूरिन की फॉर्मेशन में। फर्स्ट वन हमारा स्टेप है प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेकेंड वन इज सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, एंड थर्ड वन इज ट्यूबलेट सिक्रीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे प्रेशर फिल्ट्रेशन को। जैसे ही ब्लड हमारी किडनी के अंदर आता है तो तब प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। प्रेशर जो है वो ज़्यादा इसलिए होता है कि इस टाइम ब्लड के अंदर जो साल्ट वाटर और ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे ही ब्लड कैपिलरीज के अंदर आएगा, ठीक है, हमें पता है ग्लोमेरुलस क्या है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। जैसे ही वो कैपिलरीज के आएगा और इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है साल्ट की, वाटर की और ग्लूकोज की, वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो क्या करेगा, ब्लड को फिल्टर कर फोर्स आउट करेगा कि वुमेन कैप्सूल को क्या से करे, बाहर निकले, ठीक है। इस टाइम जो यहाँ पर हम ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं तो हमारे पास फिल्ट्रेट आ रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आ गया कि इसमें क्या था, हमारे पास ब्लड प्रेशर में था और हमारे पास जो फिल्ट्रेट बना उसको हमने क्या कह दिया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कह दिया। अब सेकेंड हमारे पास स्टेप है सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। अब इसका नाम हमें बता रहा है कि इसमें जो है एब्जॉर्प्शन होनी है सिलेक्टिव चीज़ों की। अब हमें पता, इसमें जो हमारा पार्ट मूव इन्वॉल्व होगा वो है रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। रीनल ट्यूब्यूल में हमें पता है डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब हर एक जो पार्ट है वो क्या करेगा, डिफरेंट आयंस की, वाटर की, ग्लूकोज की रीअब्सॉर्प्शन करेगा। अब जैसे ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है आगे को मूव करेगा, मतलब रीनल ट्यूब्यूल में जाएगा, तो 99% जो है फिल्ट्रेट की रीअब्सॉर्प्शन रीनल ट्यूब्यूल के अंदर होगी।
अब रिंगर ट्रिब्यून जो है इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास प्रोक्सिमल कॉन्जुगेटेड ट्रिब्यून। अब प्रोक्सिमल कॉन्जुगेटेड ट्रिब्यून जो है कुछ अमाउंट वाटर की और ग्लूकोज की ज्यादातर मिकदार जो है वो प्रोक्सिमल कॉन्जुगेटेड ट्रिब्यून में जो है एब्जॉर्ब हो जाएगी, रीअब्जॉर्ब हो जाएगी किसके जरिए, ऑस्मोसिस के जरिए। अब जैसे ही फिल्ट्रेट आगे मूव करेगा हमें पता है कि लूप ऑफ हेनले जो है इसके दो लिम्स है, एक डिसेंडिंग लिम्ब है और एक असेंडिंग लिम्ब है। जो डिसेंडिंग लिम्ब है इसके अंदर एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन होगी वाटर की, और जो असेंडिंग लिम्ब है ये अलाउ करेगा रीअब्जॉर्प्शन साल्ट की। मतलब कि डिसेंडिंग लिम्ब में रीअब्जॉर्प्शन हुई वाटर की दोबारा से, क्योंकि मैंने कहा कि प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटेड ट्रिब्यून जो है कि कुछ मिकदार जो है वाटर की रीअब्जॉर्ब करता है। अब डिसेंडिंग लिम्ब ने क्या किया, दोबारा से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन की, और असेंडिंग लिम्ब ने क्या किया, अलाउ की साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन। अब जब नेक्स्ट हमारा पता है, हमें पता है कि डिस्टल कॉन्जुगेटेड ट्रिब्यून जो है ये लास्ट पार्ट है हमारे पास किसका, रिंगर ट्रिब्यून का। अब डिस्टल कॉन्जुगेटेड ट्रिब्यून ने अलाउ करनी है रीअब्जॉर्प्शन वाटर की। देखें वाटर जो है वो थ्री टाइम रीअब्जॉर्ब हम कर रहे हैं, एक दफा प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटेड ट्रिब्यून में, एक दफा डिसेंडिंग लिम्ब में, और एक दफा हम कर रहे हैं डिस्टल कॉन्जुगेटेड ट्रिब्यून में। ठीक है, अब हमें पता है कि हमने डिफरेंट आइंस मतलब साल्ट वाटर ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन कर चुके हैं। अब सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो है ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बार बार डिस्ट्रिक्ट कॉन्जुगेटेड ट्रिब्यून ने क्या करना है, वाटर को रीअब्जॉर्ब करना है कि बॉडी को जितना भी वाटर की नीड है वो क्या करें, हम एब्जॉर्ब कर लें। अब हमारे पास लास्ट पार्ट आता है ट्यूबलर सिक्रीशन, कि जितनी भी ट्यूब मतलब रीनल ट्यूब में जितनी भी सिक्रीशन आई है अब हम लोग उसको डिस्कस करना है। अब हमें पता है कि थर्ड स्टेप रीनल सिक्रीशन है, डिफरेंट आइंस कैरेटिनाइन यूरिया जो है जो कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं, ब्लड से सिक्रीट हो रहे हैं, और ये क्या होते हैं, फिल्ट्रेट होता है। जो कहाँ से हमें हासिल होता है, रीनल ट्यूब से होता है। ये जो हम फिल्ट्रेट हासिल कर रहे हैं या हम ब्लड की क्या कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ब्लड की पीएच को मेंटेन रख सके। और हमें पता है कि ब्लड की नॉर्मल पीएच जो है वो है 7.35 से 7.45। ये जितना भी हमने ब्लड को फिल्टर किया है, जितना हमारे पास फिल्ट्रेट आया है, ठीक है, वो हमने सारा इसलिए किया है ताकि हम ब्लड की पीएच को मेंटेन रख सके। और ब्लड की पीएच है 7.35 to 7.45। अब जितने भी मैंने आपको स्टेप बताए हैं, इन सारे स्टेप से हमारे पास जो लास्ट में फिल्ट्रेट आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे, यूरिन कहेंगे। ठीक है, अब लास्ट पे कलेक्टिंग डक्ट में जो है यूरिन आ चुके हैं। अब यूरिन ने कलेक्टिंग डक्ट से मूव करना है यूरेटर में, और हमें पहले मूव करेगा पैल्विस में, रिनल पैल्विस में, और हमें पता है कि रिनल पैल्विस की बेस में हमारे पास होता है यूरेटर। अब क्या करेगा, पैल्विस से जो यूरिन है वो मूव करेगा यूरेटर में। यूरेटर जो है ये दो ट्यूब्स होती हैं। अब यूरेटर से जब मूव करेगा हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से तक हम यूरिथ्रा के जरिए से रिमूव कर देंगे। अब बच्चों आपकी बुक के अंदर ये एक टेबल दिया गया है, ये क्या है, नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन है यूरिन की, आपने इसको भी अच्छे तरीके से करना है। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि हमारे यूरिन के अंदर डिफरेंट चीज़ों की जो है कंसनट्रेशन कितनी होती है, वाटर जो है वो 95% है, यूरिया जो है 9.3 ग्राम पर लीटर है, क्लोराइड आइंस जो है 1.87 ग्राम पर लीटर है, अब सोडियम के आइंस जो है 1.17 ग्राम पर लीटर, पोटाशियम आइंस 0.750 ग्राम पर लीटर, और जो आइंस और अदर कंपाउंड्स है ये वेरिएबल अमाउंट में होती है। इनको भी आपने अच्छे तरीके से करना है, हो सकता है इसमें से कोई एमसीक्यूज बन जाए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, कि किडनी जो है हमें ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प आउट करती है। अब ऑस्मोरेगुलेशन की डेफिनेशन हमने चैप्टर जो है होम्योस्टेसिस का जब स्टार्ट किया था तब हमने पढ़ी थी, मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ कि ऑस्मोरेगुलेशन में क्या होता है कि रेगुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट इन बॉडी इन ब्लड एंड बॉडी फ्लूड, कि क्या होता है कि हमारे ब्लड के अंदर और हमारी बॉडी के जो डिफरेंट फ्लूड्स हैं इसके अंदर क्या करते हैं, साल्ट की और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, अब इसमें हमें पता है कि किडनी जो है बेस्ट वे है, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है इसमें ऑस्मोरेगुलेशन में, क्योंकि हम जब यूरिन की फॉर्मेशन कहाँ पर हो रही होती है, किडनी के अंदर हो रही होती है, और यूरिन की फॉर्मेशन में जो एक्स्ट्रा साल्ट है और वाटर है जिसकी बॉडी को नीड नहीं है, हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी से यूरिन के जरिए एलिमिनेट करती हैं। अब यूरिन की फॉर्मेशन के दरम्यान में दो सिचुएशन आती हैं, या तो हाइपोटोनिक कंडीशन होगी या हाइपरटोनिक कंडीशन होगी। अब हाइपोटोनिक कंडीशन और हाइपरटोनिक जो है हम जो है ये 9th class के चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुकी है कि हाइपो में क्या होता है, हमारे पास साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, और हाइपर में जो है साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है।
अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे हाइपोटोनिक कंडीशन। इसमें क्या होगा, जो हमारा यूरिन बनेगा वो डाइल्यूट होगा। वो कैसे होगा, जब हमारी बॉडी के अंदर पानी की मिकदार ज्यादा होगी तो क्या होगा, जैसे ही ब्लड आएगा ग्लोमेरुलस के अंदर, मतलब कैपिलरीज के अंदर, तो वहां पर जो किडनी है वो क्या करेगी, पानी को ज्यादा से ज्यादा फिल्टर करेगी। जब वहां से पानी ब्लड जो है वो आगे मूव करेगा रीनल टिश्यू में, तो यहाँ पर क्या होगा, जो वाटर जो है वो कम मिकदार में एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर पानी की मिकदार पहले ही ज्यादा है, तो पानी की एब्जॉर्प्शन हमें करने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, रीनल टिश्यू जो है पानी की रीएब्जॉर्प्शन कम करेगा, जिसकी वजह से हमारे यूरिन के अंदर जो है साल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी। तो क्या होगा, हम अपनी बॉडी से ज्यादा मिकदार में वाटर को रिमूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी जो रीनल टिश्यू है वो वाटर को रीएब्जॉर्ब नहीं कर रही। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो यूरिन है वो डाइल्यूट होगा। अब सेकंड कंडीशन है हाइपरटोनिक। हमें पता है कि इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, मतलब कोई भी सोल्यूशन हो जो हाइपरटोनिक होगा तो उसमें क्या होगा, साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अगर हमारी बॉडी में पानी कम है तो किडनी क्या करेगी, जैसे ही ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड आएगा वो क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा मिकदार में वाटर को ना लेस फिल्टर करेगी, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में पानी की मिकदार कम है, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलस जो है वो क्या करेगा, पानी को कम फिल्टर करेगा। अब जब ब्लड हमारा जाएगा रीनल टिश्यू के अंदर, या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जो है वो जाएगा रीनल टिश्यू के अंदर, तो क्या होगा, यहाँ पर वाटर की एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी में पहले ही वाटर क्या है, कम है, तो क्या करेगी किडनी, हमारे पानी को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। अब इस कंडीशन में पानी जो है वो मोस्टली ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी से साल्ट को ज्यादा मिकदार में रिमूव कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो यूरिन होगा वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस सारे प्रोसेस की समझ लगी होगी। जज़ाकअल्लाह।